अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल है? रेत वेत से हो? अच्छा भाई, आप लोगों ने हमेशा से सुना होगा कि सोचने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो घर के अंदर टॉयलेट होती है। तो आज आपका भाई टॉयलेट में बैठा हुआ था और एकदम ख्याल आ गया यार, वो स्कूल के अंदर एक ड्रामेबाजी होती थी कि आप मैथ समझें, मैथ आपकी ज़िंदगी में बड़ी काम आएगी। यार ये मैथ कहाँ काम आएगी यार, ये मैथ काम ही नहीं आके दे रही यार। मतलब ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो गई, मतलब ड्रम बनी हुई ज़िंदगी, इधर से आता है कोई ढोल बजा जाता है, उधर से आता है कोई और ढोल बजा जाता है। मतलब बड़ी ज़रूरत है कोई काम आए ज़िंदगी के अंदर, कोई काम आए। और जो टीचरों ने सारी ज़िंदगी हमें सुनाई थी कहानी कि भाई ये मैथ आपके काम आएगी, यार वो मैथ काम ही नहीं आके दे रही भाई, कहाँ आएगी? मतलब इतने बड़े बड़े हो गए हम, आई नहीं है। मतलब यार बचपन की पहली मोहब्बत और जो ज़िंदगी में पहली मोहब्बत होती है वो तो आपकी टीचर हो गई, और पहली जो नफरत है ना वो ये मैथ्स हो गई। यार समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब वन को इधर से काटो, वन को इधर से काटो, भाई कट गए हैं लड़कों के, लड़कियों के सबके कट गए हैं। अजीब और गरीब बच्चों वाली चीज़ें सिखा रहे हैं कि भाई वो शफीक के पास चार लॉलीपॉप हैं, शफीक ने जो है ना वो मतलब चार लॉलीपॉप में से देना एक लॉलीपॉप खा लिया, एक अपने भाई को दे दिया, बताओ उसके पास क्या। अबे भाई भाड़ में डालो, शफीक के मुंह पे मारो लॉलीपॉप, वो बताओ कि जो ना वो मतलब अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको शफीक ने पकड़ लिया हेलमेट के बगैर आप जा रहे हैं, तो मतलब उस वाले शफीक को आपने कहा, आपने कौन से लॉलीपॉप देने, वो लॉलीपॉप बताओ भाई, बच्चा पाकिस्तान में रह रहा है। अजीब बेवकूफ़ बनाया हुआ था बचपन में कि मैथ्स के पेपर में कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा। टीचर आके बेवकूफ़ बना दिए हैं कि भाई मैथ का पेपर ऐसा पेपर है इसमें बच्चा पूरे पूरे मार्क्स लेता। भाई क्या करें, भाड़ में डालो ऐसे मार्क्स, क्या क्या कवर में लेके जाऊँगा वो मार्क्स। भाई आज मेरी जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है, मुझे जो कैलकुलेशन करनी होगी ना मैं इससे कर लूँगा। अजीब मेरी ज़िंदगी ख़राब करी, उन्होंने पूरा बचपन मेरा ख़राब कर दिया। अजीब जहरीला सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा के दिमाग ख़राब।